हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का? ठीक ठाक सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा करके कर रहे होंगे। करते भी रहना, जीवन में अगर आप पढ़ाई अच्छी तरह करोगे तो ही सफलता को हासिल करोगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि आप लोग मन लगा करके अपने काम को करें। और आपका काम क्या है? केवल मन लगा करके पढ़ाई करना और सिलेक्शन निकालना। ठीक है बेटा, तो चलिए कंपटीशन फ्रिक्स पर आशीष सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, टेलीग्राम क्वेश्चंस के सलूशन की सीरीज में पार्ट 04 आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा और उसी क्रम में पार्ट 05 हम लोग लेकर के आए हैं। तैयार कर लिया है कि नहीं तैयार कर लिया है? सही बताओ, नहीं तैयार किया हो तो तैयार करो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के सलूशन को डिटेल में देखो, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 का कवर कर लिया था। मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है सीरियल नंबर दूसरा हो, उससे का क्वेश्चन शायद छूट गए हो, मैंने पहले ही बताया था। और हाँ, जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग ये जो सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चंस को देखने के लिए टेलीग्राम में सर्च करें कंपटीशन फिजिक्स बाई आशीष सर और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। फिर से एक बार, कंपटीशन फिजिक्स बाई आशीष सर, कंपटीशन स्पेलिंग सही लिखना। ठीक, और नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा वर्क है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का, आप लोग जाके वहीं से उसको क्लिक करें और सीधे टेलीग्राम चैनल में पहुंचें। ठीक है बेटा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जानते हो क्या करना है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा उसको आप दबा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर आगे की ओर बढ़ो, चला जाए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं बेटा, पूरे जोश के साथ, होश के साथ, अकल के साथ तैयारी को करना। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल मत करना, आलस बिल्कुल मत करना, सभी बातों को ध्यान से समझना, नोट्स बनाना, तब आगे की ओर बढ़ना। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया था, प्लांक नितांग की विमा समान होती है, क्वेश्चन नंबर इसको 60 मैंने बोला था। अगर दो चार क्वेश्चन छूट गए हो बीच में तो उसको आगे मैं डिटेल सोल्यूशन आपको बना के बताऊंगा, आप उसकी हड़क ना लें। होता है कभी कदार यार, मोबाइल स्क्रॉल करने में हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे एक साथ घड़ा के 10-20 क्वेश्चन चले जाए, हैं, तो बेदार ऐसा हो जाता है, हड़क ना रहना। ठीक है, आगे उसके सोल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, जब दो संधारित्र जिनकी धारिता सी माइक्रोफेरड है पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटी बताओ। यार इतना सरल सवाल मैंने क्लास में भी आपको बताया है, आपने वैसे भी पढ़ा होगा, अगर दो कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो आप याद करो पैरेलल में धारिता का सूत्र होता है 1 upon Cp = 1 upon C1 plus 1 by C2 1 by C plus 1 by C2 by C। तो यहां से Cp is equal to बच्चे क्या आ गया, C/2। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, C/2। अगर ये सीरीज का क्वेश्चन होता तो आंसर आता 2C, लेकिन ये पैरेलल का क्वेश्चन है इसलिए आंसर आ रहा है C/2। ऑप्शन नंबर तो बेटा हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61, जब दो संधारित्र जिनकी धारिता सी माइक्रोफेरड है पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझें, कोई भी दो कैपेसिटर है सी और सी, इनको पैरेलल में जोड़ते हो तो सवाल ये कह रहा है परिणामी धारिता बताओ। यार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होगा ना सभी को, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी होती है सीपी बराबर C1 + C2। ठीक है, C1 + C2, और C1 + C2 में आपको क्या रखना है, C+C, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 2C। तो अगर हम लोग दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2C, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टिक कर दिया जाए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, ग्रीन सिग्नल आ चुका है, फूलों की बरसात हो चुकी है और क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, जब कोई लड़का किसी घूमती हुई मेज पर अचानक बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित होगा। बहुत जबरदस्त सवाल, याद है क्या बेटा, टॉपिक का नाम रोटेशनल मोशन, थोड़ी सी कलाकारी करके बताए हैं। अगर कोई मेज ओमेगा वेलोसिटी से बेटा घूम रही है और कोई बच्चा यहां पर बैठा है, एनी चाइल्ड, बच्चा, बॉय, गर्ल, कुछ भी हो सकता है, तुम लड़की बैठा दो,
कोई भी बच्चा यहां पर बैठा है या कोई लड़की यहां बैठी है, बोल दे लड़की चल, या कोई लड़का यहां पर बैठा है और जब ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि अगर कोई एक और बच्चा या बालक आकर इसके साथ बैठ जाए, लड़की लड़का, अगर कोई लड़का बैठा है तो लड़की आके बैठ जाए, ऐसा ही है स्वाभाविक, तभी सही रहेगा, घूमने में मन लगेगा। कोई लड़की बैठी हो, लड़का बैठ जाए, या खाली मेज घूम रही हो, कोई आकर बैठ जाए, कूद जाए उस मेज के ऊपर, तो क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या कांस्टेंट होगा। बच्चों सभी लोग जानते हो इस पूरी कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको कहते हो कोणीय संवेग एल, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा आप बोलोगे, तो एंगुलर मोमेंटम इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, विलग निकाय, और विलग निकाय में कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है बेटा, नियत। इसलिए अगर कोई मेज घूम रही है, उस पर कोई बच्चा आकर बैठ जाए, कोई लड़की आकर बैठ जाए, कोई लड़का आकर बैठ जाए, लड़की लड़का साथ में बैठ जाए, तो निम्न में से अचानक क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। देखा, बिल्कुल सही आंसर है, मैंने टिक किया, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए सैटेलाइट के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताएं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताएं, सैटेलाइट के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, 1/2 gmem/r, ठीक, याद कर लो, और सैटेलाइट की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, -gmem/r, आंसर आपके सामने है। उसने किसका किसका रेशियो पूछा है बेटा, उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो याद करो, इसका मतलब ku, और जब डिवीजन करोगे तो 1/2 आएगा, ऑप्शन में कहीं माइनस दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोगों ने भी माइनस हटा दिया, फिलहाल माइनस होता है, लेकिन जब रेशियो निकालोगे तो संख्यात्मक मान का अनुपात दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कई बच्चे गलत कर दिया, 2/1 आंसर दिया है, अरे सूत्र याद करो मेरे लाल बच्चे, बने बाबूलाल बैठे हो, जब तक फार्मूले नहीं लर्न होंगे तो कैसे करोगे, ठीक है, तो जरूर सब लोग तैयार करें सूत्रों को, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, 64, एक गेंद को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, तो मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए कि मैंने कहा था कि पीडीएफ नहीं देंगे सोल्यूशन का, सोल्यूशन का पीडीएफ देने से कोई फायदा नहीं है बेटा, रट्टाफिकेशन प्योर, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे कायदे से, थ्योरी वाले तो समझ जाओगे, बाकी बत्ती गुल हो जाएगी, इसीलिए मैंने कहा था यूट्यूब में वीडियो सोल्यूशन है, आप उसको देख के तैयारी करो, मेरी बात को नहीं ध्यान देते हो, 45 डिग्री ये मैक्सिमम पोजीशन पी, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आप बताएं, अगर यहां पर आंसर किसके टर्म में है, के की ई, पहले ये देख लो ई के टर्म में, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ यहां पर काइनेटिक एनर्जी ई है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी ई डैश, हमको निकालना ई डैश, यहां पर काइनेटिक एनर्ई को हम लोगों ने क्या माना, ई डैश, तो बताओ यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/2 mu² याद है प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जिस बिंदु से आप किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो वहां काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mu² और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी E′ = 1/2 mu² cos² θ और थीटा की वैल्यू क्या दी मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री, और जब यहां पर आप 45 रखोगे तो 1/2 mu² cos² 45 और 1/2 mu² cos 45 1/√2 का होल हाफ स्क्वायर, कुछ लोगों को याद ही नहीं आ रहा होगा, और √3/2 लिखते महान हो सब लोग, वैल्यू याद करो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 mu² × 1/2 और बालक की किसकी वैल्यू है देखो ऊपर ई की, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया E/2। तो हमको ये पता चला कि अगर किसी प्रक्षेप को 45 डिग्री पे फायर करोगे, 45 डिग्री पर आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी E/2, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सभी को समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था वाकई ये,
है ना, इसको ध्यान से तैयार कर लो। इधर वाली मैं क्वेश्चन को रब कर दूं क्या, इधर वाली क्वेश्चन को रब कर दूं, हटा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तैयार करते रहो सारे क्वेश्चंस के सलूशन, जरूर तैयार करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ऐसा मैं हर बार कहता हूं, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 मारकर, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर, बताओ तुम लोग कौन से। सारे आंसर तुम्हारे सामने हैं, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, चाल बताओ। अरे यार मार्कर से, इंक मार्कर में डाल दें थोड़ी सी, उसते होगी, क्या कर रहे हैं सर बताओ जल्दी से, फटाक से, तब तक इसको ईंधन दे दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, क्या स्पीड वेक्टर है, बोलो क्या स्पीड वेक्टर है। अरे नहीं है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, v इज इक्वल टू s अपॉन t में s दूरी है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है स्केलर, और जब दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश है, ये सदिश नहीं। तो बाकी आंसर्स पढ़ के क्या करना है, लेकिन लाओ पढ़ दें। वेग वेलोसिटी वेक्टर है, बल आघूर्ण टॉर्क वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ही, आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से। तो आंसर क्या होगा, स्पीड, टिक कर दिया जाए। चलिए आगे की ओर बढ़े, कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 66। एक कण जो 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चलता है, एक पार्टिकल जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता है, बी ठीक, उसकी एनर्जी 125 जूल है, ई के बोल दो 125 जूल। क्वेश्चन कह रहा है बताओ मास ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, आपको एम निकालना है तो एम बराबर होगा 2k/v2। तो बताओ के कितना है, 125, और वी स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या हुआ, 5 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना हुआ बोलो, 2 × 125/25। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आया बोलो, 10 किलोग्राम। क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों क्या आ गया, 10 किलोग्राम। सभी को बात समझ में आ गई, 10 kg, टिक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, परम शून्य ताप क्या है, बताओ, चलो तुम लोग उसका आंसर दो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप वह ताप है जिस ताप पर गैस के अणुओं की चाल शून्य हो जाती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल बी जीरो, इसको कहीं लिख लेना, क्या होता है आंसर, -273.16 डिग्री सेल्सियस, सही है, ठीक है। तो T इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, नोट कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 67 तक सभी को समझ में आ गए, हटा दे इसको, परम शून्य ताप -273.16, याद कर लो, पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 67 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, परिवर्ती वृत्तीय गति में स्पर्श रेखी त्वरण और त्रिज त्वरण के बीच क्या एंगल बनता है। याद आया, कितने प्रकार की वृत्तीय गतियां होती थी, 2 प्रकार की, एक समान और परिवर्ती। परिवर्ती वृत्तीय गति में एक त्वरण कार्य करता था AR और एक होता था AT। AT को हम लोग बोलते थे स्पर्श रेखी त्वरण, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और AR को हम लोग बोलते थे रेडियल एक्सीलरेशन अर्थात त्रिज त्वरण। और सभी लोग जानते हो इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90। तो हमेशा याद रखना AT एंड AR बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन ये फार्मूला केवल कहां के लिए सही है, जहां पर वेरिएबल सर्कुलर मोशन हो, वेरिएबल मोशन।
और अगर आपको निकालना हो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन परिणामी त्वरण तो a बराबर अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लो। परिवर्ती वृत्ति गति में जो at और ar होते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परस्पर क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बी 90 डिग्री। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहे हैं, जरूर तैयार करो। और यार कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और उससे अच्छा सोल्यूशन आपको कैसे तैयार हो रहे हैं, है ना। सोल्यूशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सब लोग एक बार फटाक से कमेंट कर दो। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें, बिल्कुल जोश एकदम हाई रखो और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सारे वीडियो सोल्यूशंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक लड़की झूला झूलते झूलते, या लड़की का सवाल बोलते हैं कुछ लड़के कहते हैं यार ये बार बार आए लड़का नहीं आ रहा है। एक लड़की झूला झूलते झूलते झूले पर खड़ी हो जाती है, लड़की है उसका दिमाग कुछ भी करे, एक लड़की झूला झूलते झूलते झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, झूले का आवर्तकाल क्या होगा बताओ। एक लड़की झूला झूलते झूलते झूले पर खड़ी हो जाती है, ध्यान से समझना, एक झूला है, एक झूला है, झूले पर झूलते झूलते ये झूला है, झूला इस पर एक लड़की ऐसे खड़ी हो जाती है, ठीक, लड़की है, छोटी बांधी है, खड़ी हो जाती है, गर्ल स्टैंड ऑन द स्विंग। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़की झूला, अरे छोटी है वाली, एक लड़की झूला झूलते झूलते, अरे सर अरमानों में पानी फेर दिया, कैसी लड़की बना दी, एक लड़की झूला झूलते झूलते झूले पर अचानक खड़ी हो जाती है। अब ये बताओ, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, समझे बाबूलाल, फार्मूले पे ध्यान दो, लड़की पे दिमाग ना लगाओ। टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। अब जब ये लड़की खड़ी हो जाएगी तो इस लड़की का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र, वो ऊपर उड़ जाएगा। अगर आप बैठे हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे, आप खड़े हो गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां हो गया, ऊपर। और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो गया तो प्रभावी लंबाई अर्थात जो इफेक्टिव लेंथ है वो स्मॉल एल घटेगी, और जब स्मॉल एल घटेगी तो टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल, देखो टी प्रोपोर्शनल रूट एल, टी है झूले का आवर्तकाल टाइम पीरियड, तो जब एल का मान घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा, तो अर्थात जब लड़की झूला झूलते झूलते झूले पर खड़ी हो जाएगी तो टाइम पीरियड अर्थात आवर्तकाल घटेगा। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, आंसर है घटेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखा बिल्कुल सही सवाल था, ग्रीन सिग्नल आ गया, तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट बहुत है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 69। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। दो सदिशों का परिणामी सदिश अधिकतम होता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। कोई भी दो वेक्टर हो उनके रिजल्टेंट का फार्मूला होता क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो और थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे थीटा 0, और अगर थीटा 0 तो मैक्सिमम रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर आपस में समानांतर या पैरेलल होते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन, संभावित एग्जाम के लिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। यदि एक विस्फोटक चंद्रमा पर विस्फोट होता है, कोई बम उसको चंद्रमा पे फोड़ दो, कोई बम उसको तुम जाके चंद्रमा पे फोड़ दो, यहां तो फोड़ते ही हो, दीपावली आ रही है ना, कोई पटाखा ले लो, कोई पटाखा ले लो, फायर क्रैकर, उसको ले आके चंद्रमा पे फोड़ दो,
बस मेरा ना क्वेश्चन ये कह रहा है कि मून पर जाकर अगर इस विस्फोट को विस्फोटित कराया जाए तो पृथ्वी पर इसकी ध्वनि सुनाई देगी। मतलब एक आदमी को भेज दो चंद्रमा पे कि जाओ वहां सीखो या बम फोड़ो और यहां रह के तुम सुनो, और क्वेश्चन कह रहा है आपको साउंड कैसा सुनाई देगा। बताओ सभी लोग, अगर हम लोग वहां पर जाकर के कोई विस्फोट कर दें चंद्रमा पर, अरे चुटपुटिया नहीं छुटानी है चंद्रमा पे यार, विस्फोट करना है, एक्सप्लोजन करना है, बड़ा भयंकर सा। अगर कोई विस्फोट कर दें, कोई पटाखा छुटा दें, कोई बम छुटा दें, तो क्या उसका साउंड यहां पर आएगा? अरे कैसे आएगा? आप लोग क्या जानते हो कि वहां पर कोई एटमॉस्फियर नहीं है। ध्यान रखना, साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता बेटा। तो जब वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है, वहां पर कोई माध्यम नहीं है, वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर, एटमॉस्फियर नहीं है, तो साउंड हमको सुनाई नहीं देगा। तुम बस ऐसे कान लगाए से सुनते रहोगे, आवाज आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमेशा याद रखना, ये नहीं दो घंटे बाद तीन घंटे बाद सुनाई देगी, गधे हो गया। आंसर है सुनाई नहीं देगी। सब कुछ समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ ध्यान दें। संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, याद आया मैंने आपको क्या बताया था? कोई भी कैपेसिटर अगर उसको डीसी से जोड़ दें, अगर किसी संधारित्र को डीसी से जोड़ दें, तो जब आप संधारित्र को दृष्ट धारा स्रोत से जोड़ोगे, जैसे सेल या बैटरी, मैंने आपको क्लास में बताया भी था, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो तैयार कर लें। जब आप किसी कैपेसिटर को सेल या बैटरी से जोड़ोगे, तो सेल या बैटरी एक डीसी सोर्स का एग्जांपल है। ऐसी कंडीशन में जब संधारित्र की प्लेटों पर चार्ज आएगा, तो पहली प्लेट पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और दूसरे पे निगेटिव, और ये जो संधारित्र होगा वो डीसी सर्किट के लिए कैसा कार्य करता है, इसके लिए फॉर्मूला याद करो, एक्ससी इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, और सभी लोग जानते हो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0, और जब फ्रीक्वेंसी को 0 रखोगे तो एक्सी कितना आएगा? इनफाइनाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? धारिती प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो क्वेश्चन का सही आंसर है संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करेगा, आंसर है डीसी सर्किट में, इन डीसी सर्किट। सभी क्वेश्चन में आया? एसी सर्किट में कभी भी कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज नहीं होता, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होता है तो केवल किसमें? बोलो, डीसी सर्किट में पूरी तरह चार्ज होता है। इसको स्थायी अवस्था या स्टडी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। रब कर दिया जाए क्वेश्चन को, नोट कर लेना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। वाकई मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन बहुत लाजवाब है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के आंसर हैं। जरूर टेलीग्राम क्वेश्चन से सब लोग सवालों को नोट करते जाओ टेलीग्राम चैनल से, और उनके वीडियो सॉल्यूशन को जरूर बनाओ, और उन बच्चों को भी बताओ जिनकी प्रिपरेशन नहीं हो रही हो, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। और सॉल्यूशन ढूंढने कहां जाओगे, है ना? तो मैंने आपको सारे सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, बस आपकी जिम्मेदारी आप लोग इनको तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 72 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 72 तक हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ उनको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 73 बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, बार बार स्किप हो जाता है ना मेरे फोन में। घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के कोणीय वेगों का अनुपात बताओ। बताओ आवर वाली हैंड और मिनट वाली हैंड के लिए ओमेगा बताना है। अच्छा ये बताओ, जो आवर वाली हैंड होती है और जो मिनट वाली हैंड होती है, इसके लिए टाइम पीरियड अगर T1 और इसके लिए T2 माना जाए, तो बताओ मेरा आंसर क्या क्या होता है। घंटे वाली सुई के लिए T1 बताओ, 12 घंटे होता है घंटे वाली सुई का टाइम पीरियड, तो 12 × 3600 सेकेंड। क्यों? और नीचे लिखने बोला, घंटे वाली सुई के लिए आवर हैंड के लिए T1 बराबर 12 × 3600, और मिनट वाली सुई के लिए T2 बराबर 60 × 60 यानी 3600। अब उसने क्या कहा, इनके कोणीय वेगों का अनुपात बताओ। सभी लोग जानते हो कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर 2π/T, देयरफॉर ओमेगा 1/ω2 बराबर T2/T1, रेसिप्रोकल है बेटा। और T2 कितना है? 3600, और T1 कितना है? 12 × 3600। 3600 से 3600 कैंसिल, 1/12। तो क्वेश्चन का सही आंसर आया ओमेगा 1 रेशियो
ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1/12, यानी दोनों सुइयों के कोणीय वेगों का अनुपात कितना होगा? 1:12। सभी को सवाल समझ में आया? कोणीय वेग ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी 1:12, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखना ग्रीन सिग्नल आएगा आगे, ठीक करेक्ट। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला तैयार कर लेना, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 74, किसी व्यक्ति का नदी में तैरना किस नियम से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 74, स्विमिंग, जो स्विमिंग होती है, तैरना कह रहा है, वो किस नियम से संबंधित है? क्यों भाई, सभी लोग जानते हो कि जब कोई व्यक्ति किसी नदी में तैरता है, जब कोई व्यक्ति किसी नदी में तैरता है, तैर रहा है ठीक, अगर कोई व्यक्ति इसका द्रव्यमान एम है, अगर वो नदी में तैर रहा है, तो तैरते समय वो अपने हाथों से पानी को कहां हटाता है? पीछे की ओर, और पानी उस व्यक्ति को धक्का कहां देता है? आगे की ओर। बेटा प्यारे बच्चों, ये किस नियम पर आधारित है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हो एक्शन रिएक्शन लॉ, मींस क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और सभी लोग जानते हो एक्शन रिएक्शन लॉ का मतलब होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, याद है ना सभी को? न्यूटन के तीसरे नियम को ही क्या बोलते हो? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। पहले नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, और दूसरे नियम को बल का नियम, लॉ ऑफ फोर्स। तो ये बच्चों ये किसका एग्जांपल है? न्यूटन का तीसरा नियम, इसको बोलते हो क्रिया प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 75, किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देने पर रोकने के लिए उसकी सापेक्ष दूरी क्या होगी? किसी वस्तु के वेग को दुगुना करोगे तो रोकने के लिए सापेक्ष दूरी क्या होगी? कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं तैयार कर पाए थे, मैं इनको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 75 बच्चों, ये दूरी कहलाती है अवरोधन दूरी, इसको कहते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस। तैयार कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अवरोधन दूरी, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है वो दूरी होती है जिसको कोई गाड़ी ब्रेक लगाने पर रुकने से पहले तय कर लेती है। कोई कार जा रही है, आपने ब्रेक लगाया, कार रेस्ट में आई, उससे पहले उसने जितनी दूरी तय कर ली उसका नाम है स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इसका फॉर्मूला होता है s = u²/2a। तैयार कर लो, अवरोधन दूरी या स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला s = u²/2a। तो बच्चों यहां से हमको रिलेशन मिला s = u², तो s₁/s₂=u₁²/u₂², उसने कहा चाल को दोगुना कर दो, तो u₁ को u², u₂ को जब 2u करोगे तो होल ऑफ स्क्वायर मींस 4u² कैंसिल 1/4, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s₂ आएगा बेटा 4s₁। s₂ क्या आएगा? 4s₁। इससे क्या पता चला कि जो अवरोधन दूरी है वो पहले से 4 गुना होगी। जो अवरोधन दूरी है स्टॉपिंग डिस्टेंस वो पहले से 4 गुना होगी। अगर आप वेग को दुगना करोगे तो अवरोधन दूरी स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले से 4 गुना होगी। 4 times than earlier स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 4 times than earlier। रब कर दें बेटा, चलिए रब कर दिया जाए, और कर लिया सभी लोगों ने, ये वाला भी चलो रब कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, ध्यान दें, 500 ग्राम का एक पिंड 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया, मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है सबको समझ में आ गया? मैक्सिमम हाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 500 ग्राम के पिंड को फेंका गया, ग्राम को किलोग्राम में बदलो, 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर उसको थ्रो किया गया। बेटा मिलाते रहना यार बार बार, एक तो ये मोबाइल बहुत परेशान करता है, पूरा रिदम ब्रेकआउट हो जाता है। चलो 500 ग्राम का एक पिंड 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया, मैक्सिमम हाइट पर इसकी एनर्जी बताओ। तो एनर्जी जानते हो, मैक्सिमम हाइट पर जो एनर्जी होगी इस बॉडी की, ऐसे थ्रो किया यहां पर एनर्जी कह रहा है, तो यहां पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होगी बेटा? और थोड़ा नीचे नोट करो, बार बार ऊपर होगा। 76 m = 500 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में, 1000 का डिवाइड 0.005/10 1/2 kg है ना,
और 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, और क्या निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल में बदलेगी, अर्थात यहां पर हम लोग क्या निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम एम की जगह कितना आया 1/2, और वी स्क्वायर का मतलब 40 का होल ऑफ स्क्वायर, 40 × 40, तो यहां पर ये कितना हुआ 2 × 20, 2 × 20, 2 × 2 = 4। सवाल का आंसर आएगा बच्चों 400 जूल। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 400 जूल। क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 400 जूल। सभी लोग इस बात को याद कर लें, जब किसी बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करोगे तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर की ओर जाएगी वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलेगी, और जब वो ऊपर से नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा वापस से काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया, जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी, आंसर आपके सामने है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, टेंशन ना लेना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए हैं, जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट करते हो कि सर कुछ क्वेश्चन और बता दें, तो वही काम मैंने कर दिया है, कुछ क्वेश्चन को आगे और कंसिडर किया है। क्वेश्चन नंबर 77, लेकिन भाई लाइक जरूर करो, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताओ जो मैंने पूछा, कि आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन क्लियर समझ में आ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही है, 400 जूल। आगे बढ़े, आई प्लस जे प्लस के और आई कैप के बीच का एंगल बताएं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन कह रहा है आई प्लस जे प्लस के और आई कैप के बीच के एंगल थीटा को बताओ। बिल्कुल सिंपल है, इसको मान लो ए वेक्टर, इसको मान लो बेटा बी वेक्टर, और फॉर्मूला होता है नोट कर लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्लियर, सबसे पहले ए डॉट बी निकालो, क्या है आई प्लस जे प्लस के डॉट, और साथ में क्या चल रहा है आई कैप, अपॉन जब मॉड ऑफ ए निकालोगे तो √3, और जब यहां पर मॉड ऑफ बी निकालोगे तो 1। ऊपर कितना आया आई डॉट आई, कितना हुआ 1, तो ये आया 1/√3, 1/√3, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और क्या cos थीटा में कोई वैल्यू होती है, मेरे अनुसार cos थीटा में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए none of these। क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए i plus j plus k और इसके बीच के एंगल को अगर निकालोगे तो आंसर आएगा none of these, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 78, बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल जुपिटर। क्वेश्चन कह रहा है इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी। बेटा सभी लोग जानते हो 78 तो लर्निंग वाला क्वेश्चन है, जो बृहस्पति है जुपिटर, इसकी ऑर्बिटल जो स्पीड होगी, ध्यान रखना वो लेस देन होगी अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड से, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड दूरी पे डिपेंड करती है, दूरी जितनी ज्यादा स्पीड उतनी कम होगी, बृहस्पति की दूरी बहुत ज्यादा है इसलिए बृहस्पति की कक्षीय चाल अर्थ के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। आंसर है पृथ्वी के कक्षीय चाल से कम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 बच्चों क्या कह रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो इलेक्ट्रॉन अगर r दूरी पर हो, सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो Fe, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Fg, और इलेक्ट्रॉनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो लगभग 10^43 गुना होता है Fg के, ठीक है, और अगर Fg की बात करोगे तो लगभग 10^-43 गुना होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10^43 गुना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोप बबल, अगर आप किसी सोप बबल को चार्ज करो, साबुन के घोल के बुलबुले को अगर हम लोग कोई भी आवेश दें, कोई भी चार्ज दें, तो सभी लोग जानते हो बबल एक्सपेंड होगा, बबल फैलेगा, इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखना कि बुलबुले का साइज
पहले की तुलना में और बढ़ेगा, साइज ऑफ बबल इंक्रीजेस। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि अगर किसी सोप बबल को चार्ज करें तो सोप बबल को चार्ज करने पर क्या होगा, तो सोप बबल को चार्ज करने पर उसका साइज क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। सभी को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी क्वेश्चन को नोट करते जाएं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, इसलिए और आपके सोल्यूशन जल्दी से कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया पूरा, ठीक है। किसी सोप बबल को आप चार्ज करोगे तो उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। उसका साइज पहले से बढ़ेगा, जब आप किसी सोप बबल को चार्ज करोगे तो उसका साइज पहले से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 81, किसी द्रव को गर्म करने पर उसका परावैद्युतांक क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी लिक्विड को अगर आप गर्म करोगे, ऑन हीटिंग टू द लिक्विड, अगर किसी भी लिक्विड को गर्म किया जाए तो लिक्विड को गर्म करने पर क्या होगा, तो सीधा सा आंसर है, लिक्विड को गर्म करने पर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कम होता है। जब आप किसी द्रव को गर्म करते हो तो उसका परावैद्युतांक घटता है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटेगा, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस। पेपर में कई बार ये वाला क्वेश्चन आया है, इसको तैयार कर लो। जनरली ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ते समय, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको चार्ज करोगे, सॉरी, अगर आप किसी द्रव को गर्म करोगे तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, घटेगा। स्पीड से किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, क्योंकि नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए कभी कभार स्पीड को मेंटेन करना भी पड़ता है। फिलहाल सबको समझ में आ रहा होगा, स्पीड से कुछ मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 82, एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, दैट इज डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड में रोकने के लिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। न्यूटन का दूसरा नियम एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 10/2। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, 5 न्यूटन। तो अगर आप किसी भी 2 किलोग्राम की पिंड को, अगर आप किसी भी बॉडी को, इसका मोमेंटम 10 केजी पर सेकंड है, उसको अगर आप 2 सेकंड में रोकने के लिए बल लगाओगे तो कितने न्यूटन के फोर्स की आवश्यकता होगी। आंसर है 5 न्यूटन के बल की आवश्यकता होगी। सभी लोग जल्दी से नोट कर लें, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया बच्चों? तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताएं कि सारे क्वेश्चन सोल्यूशन आपको समझ में आए कि नहीं आए, और जो मैंने इस बार से क्वेश्चंस नंबर बढ़ा दिए हैं तो किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पीड के साथ मैंने थोड़े क्वेश्चंस के आंसर को और ऐड कर दिया है, 15 क्वेश्चन से बढ़ाकर 20 या 25 क्वेश्चन तक मैं इसको ले जा रहा हूं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे इस समय नए वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, पार्ट 01, पार्ट 02, पार्ट 03, पार्ट 04 के वीडियो सॉल्यूशंस के लिंक है, आप लोग जाकर वीडियो को प्ले करें, सारे क्वेश्चंस के आंसर को नोट करें, और उसके आगे पार्ट 05 को लेकर के फिर से कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ें, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन सारे सॉल्यूशंस को आप मन लगा करके तैयार करें, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में आप अपने क्वेश्चंस को सही करके आ सकें। सभी को बात समझ में आ गया? और जो बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों आज की वीडियो सॉल्यूशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग हाजिर होंगे, और आपके लिए सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को जल्दी जल्दी करके पूरा करेंगे, लेकिन आप लोग जरूर मेहनत करो, पढ़ते रहो मन लगा करके, और इन सारी चीजों को तैयार करते रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।